वेलकम बैक टू माई चैनल पर्होलॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो सप्लीमेंट्री क्या होता है, एनुअल एग्जाम क्या होता है, एनुअल टू एग्जाम क्या होता है, ये तमाम सवाल मुझसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं। और मैं फर्स्ट ईयर का जो जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारा सप्ली का पेपर बता दें, हम कैसे सप्ली देंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, उनको कन्फ्यूजन है, उनको यही नहीं मालूम कि सप्लीमेंट्री आखिर होता क्या है स्टूडेंट्स के लिए और आपके मार्क्स शीट के अंदर क्या क्या उसके अंदर असर पड़ता है। ठीक है, तो तमाम डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। क्यों लाइक और सब्सक्राइब करो? इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करो क्योंकि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा कम है और मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ो लर्न टुगेदर की तरह जो वीडियो है आपने उसको इतना सपोर्ट किया है, उसी तरह से इस चैनल को भी सपोर्ट करो। सेकंड ईयर के तमाम आपके पास लॉजिक के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसके अंदर क्या है अपलोड है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन तक अब पास क्या है अपलोड करते जा रहा हूं ताकि आपको क्या हो सके, आपको एक ही जगह तमाम मटेरियल्स मिल सके। गैस पेपर, टारगेट पेपर के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हो। प्राइवेट ग्रुप के अंदर आपको प्रीलिम पेपर, गैस पेपर और आपके साथ साथ क्या होते हैं टारगेट पेपर, गैस पेपर, एमसीक्यूज पेपर और साथ साथ तमाम न्यू बुक के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे क्या हो सके आपके बोर्ड के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो मैंने आपको बोर्ड के सामने इसको लिख करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मेरे पास सप्ली और एनुअल क्या होता है। ठीक है, ये सप्ली कौन से स्टूडेंट पेपर देते हैं, एनुअल के स्टूडेंट्स कौन से देते हैं, याद रखना। मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ आपके पास सिंध बोर्ड की। ठीक है, कौन से बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सिंध बोर्ड। ठीक है, सिंध बोर्ड के अंदर कराची आ जाता है, कराची आ जाता है आपके पास, हैदराबाद आ जाता है, मीरपुर खास आ जाता है और आपके पास सक्कर आ जाता है, लाड़काना आ जाता है, शिकारपुर आ जाता है और जो मैं नाम ले नहीं सका, मेरे जहन में नहीं आया। ठीक है, वो तमाम बोर्ड जो सिंध के अंदर मौजूद हैं उन तमाम के लिए एक ही क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू सप्ली। ठीक है, तो याद रखना सप्ली कौन से स्टूडेंट देते हैं। सप्लीमेंट्री के एग्जामिनेशन हमेशा इस चीज को याद रखना मैट्रिक के स्टूडेंट देते हैं या फिर हमारे पास सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स देते हैं जो कि पास हो जाते हैं। याद रखना मैट्रिक को जब आप पास करते हो ना, जब आपने मैट्रिक कर लिया है, ठीक है, और आप इसके बाद जाते हो कहाँ, हायर एचएससी में जाते हो, कहाँ जाते हो, एफएससी या फिर एचएससी में जाते हो, मतलब ये सेकेंडरी लेवल ख़त्म हो जाता है। उन 10 क्लास को पास करने के लिए मेरे पास क्या होता है, सप्ली का पेपर देना पड़ता है अगर आपका यहाँ पे कहीं पेपर रुक जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सप्ली का पेपर देना होता है। ठीक है, क्योंकि आप हायर एजुकेशन तरफ जाते हो। ठीक है, और उसी तरह से जब आप सेकंड ईयर कर लेते हो तो फिर आप कहां जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो। कहां जाते हो, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी करने के लिए आपको पीछे का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर फेल होते हैं तो वो क्या करते हैं, सप्ली का पेपर देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि सप्लीमेंट्री आपके पास जो मार्कशीट के अंदर सप्ली जो लिखा हुआ आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट का लिखा हुआ आता है जिन्होंने 9 किया, मैट्रिक किया और उसके बाद उनका 9 और मैट्रिक के कुछ पेपर रुक गए तो उनको क्या देना होता है, सप्ली देना होता है। उसी की तरह आपने फर्स्ट ईयर किया फिर उसके बाद सेकंड ईयर किया और सेकंड ईयर करने के बाद फर्स्ट ईयर के भी कुछ पेपर रुक गए और आपके पास सेकंड ईयर के पेपर रुक गए तो आप क्या दोगे, सप्ली का पेपर दोगे। अब आपका सवाल है, सर हमारे तो फर्स्ट ईयर में या फिर हमारे 9 में या फिर हमारे मैट्रिक में पेपर रुक गए तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या करेंगे। ठीक है, इस तरह के भी सवाल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले रब कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। आप क्लास फर्स्ट ईयर का पेपर दिए, आपने क्या किया, आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया और आपने इस पेपर को देने के बाद क्या किया, इसमें से तमाम पेपर में से आपने 5 पेपर क्लियर कर लिया और एक पेपर में क्या हो गए, आप फेल हो गए। ठीक है, मैं एफ लिख रहा हूँ, 1F, मतलब एक पेपर में क्या हो गए, आप फेल हो गए। ठीक है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप सेकेंड ईयर में जाओगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में ऑलरेडी जा चुके होते हो। ठीक है, क्योंकि इंटर का रिजल्ट आपके सेकेंड ईयर जब आपका हाफ से ज्यादा हो जाता है उसके बाद आता है, तो सेकेंड ईयर तो आप पढ़ ही रहे होते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर सेकेंड ईयर का पेपर दोगे। तो सेकेंड ईयर का पेपर देने के लिए जो सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के होंगे उसे भी आपको पास करना होगा। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसको पास करना होगा और जो एक फर्स्ट ईयर का पेपर होगा वो आपने इसी के साथ देना होगा। ठीक है, जो आप फेल हो चुके थे ना उसको भी इसमें पास करना होगा। ठीक है, अगर आप पास हो जाते हो तो आपकी जो मार्कशीट है वो बिल्कुल क्या होगी, परफेक्ट होगी, उसमें किसी किस्म के सप्लीमेंट्री के वर्ड को यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपने अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अगर आपने क्या करा, फर्स्ट ईयर का पेपर दिया और आप क्या हो गए, पास हो गए, तमाम पेपर में पास हो गए। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं आई।
फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर आप सेकंड ईयर का पेपर दिए और सेकंड ईयर का पेपर देने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है, क्या हो गया, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो याद रखना, अब आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप कोई दूसरा पेपर दे सको। तो आप क्या करोगे, फिर सप्ली का या फिर एनुअल टू का पेपर दोगे, सप्ली भी होता है और एनुअल टू भी होता है, ठीक है, उसका पेपर दोगे। और उसमें क्या होगा, आपने इस पेपर को क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। तो उस वाले आपके मार्कशीट में कहा क्या कहा जाएगा कि आपके पास सप्ली आएगा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ होगा कि आपने सप्लीमेंट्री करके या फिर आपने एक साल गैप करके या फिर आपने इसको पेपर दिया है बीच में, ठीक है। तो याद रखना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। एक और चीज़ देख लो, अगर आप क्या करते हो, आप फर्स्ट ईयर का पेपर देते हो और फर्स्ट ईयर का पेपर देने के बाद आप एक पेपर में फेल हो जाते हो, ठीक है, और सेकंड ईयर में भी क्या होते हो, आप तमाम सब्जेक्ट पास कर लेते हो, लेकिन जो आपने फर्स्ट ईयर का दोबारा से पेपर दिया था वो दोबारा से क्या हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, ठीक है, दोबारा से आप फेल हो गए। तो याद रखना, दोबारा से उसी पेपर में फेल हो गए तो आपने फिर क्या देना होगा, सप्ली देना होगा और उस पेपर को क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। तो मैं ये सब बता क्यों रहा हूँ, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अभी बीच में कोई सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं आएगा आपके लिए, किसी किस्म का कोई नहीं इस तरह के टर्म आएंगे जिसमें आपको बीच में पेपर देना पड़ जाए और इस पेपर को क्लियर करना पड़ जाए। पेपर कब होगा, सेकंड ईयर के साथ आपका होगा, पेपर कब होगा, सेकंड ईयर के साथ होगा, और आपने अपने सेकंड ईयर के साथ फर्स्ट ईयर का जो पेपर रुका हुआ होगा उसे देना होगा। यकीनन आपको अब इस वीडियो में समझ में आ गई होगी कि आपका जो असल में जो मोटिव होगा वो सेकंड ईयर के तमाम पेपर को क्लियर करना, और फर्स्ट ईयर के जो पेपर आपके रुक गए हों या फिर कम नंबर आए हों या फिर उसमें कुछ और मसले आए हों तो उसके रिलेटेड आप क्या करोगे, उसको सेकंड ईयर के पेपर के साथ दोगे। जिस दिन फर्स्ट ईयर का पेपर होगा ना, और उसी दिन आपका भी पेपर होगा, ठीक है। आप एज अ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बनकर के वहां पर पेपर दोगे, पेपर देने के बाद हो सकता है कि अगले दिन ही सेकंड ईयर का पेपर हो, गैप ना हो, ठीक है, इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो वो करना है, अभी जो पेपर चल रहे हैं आप देख रहे हो कि सप्लीमेंट्री के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, वो आप लोगों के लिए नहीं चल रहे, वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो पास कर चुके थे और फिर जो फेल हो चुके थे वो पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना मुझे आपको बताना था। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो आप जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।